औरंगाबाद शहर काँग्रेस कमिटी विकलांग सेलच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन महानगरपालिकेला देण्यात आले असून मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी देखील यावेळी करण्यात आली आहे। देखिए, आज विकलांग सेल के तीनों जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, मोहसिन भाई है, अंसारी साहब है और दूसरे भाई हमारे ये मुनीर भाई, ये आज सब लोग यहाँ पर एक डिमांड लेकर आए थे कि इनको लगभग 3,500 जो है हमारे विकलांग भाई जो है यहाँ रजिस्टर्ड है, नोंद हुई हुई है उनकी, जिसमें से 2,000 लोगों को जो है तो कुछ पैसे मिले और बाकी के 1,200-1,500 लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिले और किसी को आधे मिले। तो ये और उसके अंदर दूसरा ये था कि सिटी बस में जब लोग सफ़र करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 40% से ज़्यादा अगर विकलांग है उसको टोटल फ्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सबूत के साथ कमिश्नर साहब को बताया कि ये टिकट हमसे फाड़े जा रहे हैं और हमारे से पैसा वसूला जा रहा है। तो कमिश्नर साहब ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए तुरंत वहाँ पे फोन लगाया कि सारे कंडक्टर्स को आप जो है तो एक नोटिस निकालो कि ये विकलांगों के पास से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, अगर मेरी सिग्नेचर और मेरा लेटर चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, इनके जो पैसे रुके हुए थे, कमिश्नर साहब ने कहा कि अभी हमारे पास में कुछ लोगों के इनके अकाउंट नंबर के अंदर कुछ गलतियाँ थी तो वो दुरुस्त की जा रही है और जिन लोगों को पैसा नहीं मिला तो ये मार्च के पहले वो सारे पैसे इनके रिलीज कर देंगे। तो ये तमाम लोगों की तरफ से मैं महानगर पालिका के कमिश्नर चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन लोगों को भी आश्वासन दिलाता हूँ कि जब भी आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत रहेगी हम आप लोगों के साथ में आएंगे। थैंक यू। आज औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर MIM विकलांग सेल, कांग्रेस विकलांग सेल और राष्ट्रवादी विकलांग सेल के तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया था, जिस मेमोरेंडम के अंदर कुछ हमारी मांगे थी और उस मांगों के अंदर जो जैसा स्मार्ट सिटी का पास या स्मार्ट सिटी में जो है तो दिव्यांग के लिए पूरा फ्री कर देना, तो कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट किया है और आज से हो या कल से हो ये जो है तो आपको कोई भी कंडक्टर विकलांग को अगर महानगर पालिका स्मार्ट सिटी का टिकट मांगता है तो उसको आप बिल्कुल टिकट ना दे, उसके अंदर आप बाकायदा आपका VID कार्ड बना के फ्री बताकर फ्री सफ़र कर सकते हैं। तो साथ में रखो VID कार्ड जो है तो आप इसे अपने खिस्से में रखो और कंडक्टर को सिर्फ VID कार्ड बताने के बाद आप जो है तो फ्री में सफ़र कर सकते हैं और जो आपके साथ में रहेगा उसको आधा टिकट देना है। और उसके बाद जो है तो कुछ 3,500 लोगों की नोंद हुई है जिसमें से 2,000 लोगों को पैसे मिले हुए 6 महीने के, 3 महीने के या 4 महीने के, और उसमें से जो कुछ लोग छुट्टी के थे जिनके अकाउंट नंबर ख़राब होने के कारण उनके पैसे वापस आए तो उनका भी जो है तो जल्द से जल्द उसकी भी यादी पूरी तैयार हो चुकी है और उनका भी काम बहुत जल्दी होने वाला है। और इसमें जैसे भी हमारे MIM के जो नासिर सिद्दीकी साहब, इन्होंने आज हमारा हौसला अफजाई किया, मैं हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज महानगर पालिका के अंदर हमारे कांग्रेस विकलांग सेल, MIM विकलांग सेल और NCP विकलांग सेल, हम तीनों पक्ष ने एक साथ आके महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये मुतालिबा किया है कि जो विकलांग लोगों के छच्चे रहने के पैसे जो लुके हैं ये जल्द से जल्द मिलना चाहिए और स्मार्ट सिटी बस के अंदर जो बदउनवानियाँ हो रही है विकलांगों के साथ उसके बारे में भी हमने ये मांग की है। और आज हमारे विकलांग लोगों का साथ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साबिका गढ़ नेता और साबिका अपोजिशन लीडर नासिर सिद्दीकी साहब और जमीर अहमद गाजली साहब यहाँ आए, विकलांगों की हौसला अफजाई की और हमारे हक में उन्होंने कमिश्नर साहब से बात की है। हम इनका बेहद मशकूर और ममनून है कि विकलांगों का साथ दिए और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जिस दौरान तीनों पक्ष ने आगे विकलांगों के लिए आवाज़ उठाए और इन दोनों लीडरों ने हमारी हौसला अफजाई की है, उसी तरह सभी औरंगाबाद के जितने भी पार्टी से ये सब आगे आइए और विकलांगों का साथ दीजिए। मैं एक बार फिर नासिर भाई का और जमील भाई का बहुत मशगूल और ममनून हूँ और जमील भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी बात लगे। एक तो मैं कमिश्नर साहब का बड़ा मशगूल हूँ कि उन्होंने तो तमाम विकलांग जितने भी हमारे अपाहिज भाई हैं उनकी जो मदद करने का ऐलान किया, उन्होंने ये ऐलान किया कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी से जो बसेस चढ़ी है उसमें 40% से ऊपर जो भी अपंग होगा अपाहिज होगा उसे पूरी तरह मुफ्त सेवा दी जाएगी और उसका एक लेटर भी निकाला है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो लोगों के पैसे 6 महीने का बैलेंस है वो 2-2 महीने करके तो उनको लौटाए जाएंगे और जो लोगों को पैसे नहीं मिले उनकी फाइलों पर भी अभी गौर फौर चढ़ा है और उन्हें भी पैसे जारी किए जाएंगे। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने तफसील उनसे बातचीत की और मैं समझता हूँ जहाँ तक अपंगों का अपाहिजों का मामला है उसमें सियासत नहीं होना चाहिए और हम दोनों भले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं लेकिन जहाँ पर अपाहिजों की बात आएंगी, इंसानियत की बात आएंगी
हम किसी भी समाज के साथ किसी के भी साथ खड़े रहने को तैयार हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे फ्यूचर में भी। हम ये वादा करते हैं अपंगों से कि आपकी हर मांग के साथ हम खड़े हैं, हमारी जमात खड़ी है और हम हर वक्त आपके लिए तैयार हैं। देखिए, आज विकलांग सेल के तीनों जो पार्टियों के अध्यक्ष हैं, मोहसिन भाई है, अंसारी साहब है और दूसरे भाई हमारे ये मुनीर भाई, ये आज सब लोग यहाँ पर एक डिमांड लेकर आए थे कि इनको लगभग 3,500 जो है हमारे विकलांग भाई जो है यहाँ रजिस्टर्ड है, नोंद हुई हुई है उनकी, जिसमें से 2,000 लोगों को जो है तो कुछ पैसे मिले और बाकी के